हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माइंड स्वाइन टूटोरियल सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक माइकोप्लाज्मा बिफोर दिस टॉपिक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज बी जी एंड वी आर सीइंग किंगडम मोनेरा सो लेट्स गेट स्टार्टेड माइकोप्लाज्मा की अगर बात की जाए तो ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पूरी तरह से सेल वॉल एब्सेंट होती है ये एनसीआर टी का स्टेटमेंट है कि माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल इनमें सेल वॉल कम्प्लीटली एब्सेंट होती है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स भी माइक्रोप्लाज्मा ही कहलाते हैं ये भी एनसीआरटी में मैंशंड है और एक बात और जरूरी है दे कैन नॉट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन तो अगर ऑक्सीजन इनको नहीं मिलती अगर ऑक्सीजन की एबसेंस है कहीं पर तो भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेके ये जी सकते हैं तो मैनी माइको प्लाज्मा लेकिन जो कुछ ज्यादा माइक्रोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक हो सकते हैं ये पैथोजेनिक एनिमल्स के लिए भी हो सकते हैं और ये पैथोजेनिक प्लांट्स के लिए भी हो सकते हैं पैथोजेनिक का मतलब हम जानते हैं डिजीज़ कॉजिंग तो ये वाली चीज़ माइक्रोप्लाज्मा के अब क्या होता है यहाँ पर कि 1898 की बात थी दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे ई e. नोकार्ड और आर रॉक्स ये दोनों साइंटिस्ट ने स्टडी uh, कर रहे थे ये दोनों प्लूरल फ्लूड्स की और कैटल की एक uh, जो प्लूरल फ्लूड होता है कैटल का उसको ये स्टडी कर रहे थे जिसको प्लूरो नाम की बीमारी हो हो चुकी थी तो जो केटल को ये प्लूरो नाम की बीमारी थी उसके प्लूरल फ्लूइड को ई e. नोकार्ड और आर रॉक्स स्टडी कर रहे थे उन दोनों ने क्या देखा कि जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर कुछ ऐसे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिनको उन्होंने माइकोप्लाज्मा नाम दिया और उन्होंने डेजिग्नेट किया पीपीएलओ कर कर अब पीपीएलओ का मतलब होता है निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स नोवाक नाम के साइंटिस्ट से नाइनटीन की बात थी उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को जीनस माइकोप्लाज्मा के अंडर रख दिया तो यहाँ उसकी पोजिशन थोड़ी बहुत डिसाइड जापनीज डोई एट ऑल 1967 सिक्सटी सेवन फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट दी येलो डिजीजेज ऑफ प्लांट्स आर कॉज बाय माइको प्लाज्मा जो एस्टर येलो नाम की बीमारी होती है प्लांट्स की उसको भी कॉज माइको प्लाज्मा करते हैं डोई एट ऑल ने इन जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लियो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स कहा एज माइको प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स एम एल ओ टू डी ओ ई फ्लोएम्स ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है तो वैसे इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरी पॉइंट नहीं था क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और हमें

और भी बल्कि प्रेसाइज होता है डायग्राम पर फिर भी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है और वो सर्कुलर वे के अंदर होगा आरएनए जो इसके पास होता है वो एस एस आर एन ए होता है यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ कर सकते हैं रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म भी शो कर सकते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है इनमें देखी जाती है और ये तीनों चीज़ इंडिपेंडेंटली कंप्लीटली कर सकते हैं साथ में इनकी जो सेल वॉल होती है वो दे आर लेस दे आर सेल वॉल लेस यानी इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती इसी वजह से इनके अंदर प्लियोमॉर्फम होता है यानी कि इनका कोई एग्जैक्ट uh, शेप नहीं होता इसी वजह से इन्हें जोकर ऑफ दी प्लांट किंगडम कहा जाता है मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवास के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं कि वॉट यू मीन बाय जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है और उनके बारे में कुछ बताइए तो वो माइक्रो प्लाज्मा होते हैं माइक्रो प्लाज्मा के बारे में बताएंगे हम उसमें सेल वॉल एबसेंट होती है वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं इसीलिए हम उनको जोकर्स ऑफ दी प्लांट किंगडम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ जाता है अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑस्मोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका मतलब है इनमें जो एब्जॉर्ब होगा nutrients का वो osmosis के होगा। चीजें uh, होती है बहुत सारे बच्चों को confusion होता है। तो मैं, uh, इसकी अलग ही सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हम उसमें एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है तो हम लोग उसका एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे तो उससे और इजी हो जाएगा तो मैं उसको जल्दी अपलोड कर दूंगी तो ये वाली बात आ जाती है ऑस्मोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्री दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट एक्ट ऑन सेल वॉल ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स को लेकर जैसे कि पेनिसिलिन क्योंकि जो पेनिसिलिन होती है उसका काम होता है वो सेल वॉल पर एक्ट करती है किसी भी सेल की जो सेल वॉल होगी उसके ऊपर पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक वर्क करती है क्योंकि वो सेल वॉल को तोड़ देती है इस वजह से बैक्टीरिया मर जाता है तो वो इसलिए एक एंटीबायोटिक और उसको दवाई के फॉर्म में जब किसी को भी बीमारी होती है तो खाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेसिकली जब होते हैं लोग लेकिन पेनिसलिन की एक यहाँ पर यहाँ पर उसका डिसएडवाटेज हो जाएगा कि जो पेनीसिलिन अगर वो सेल वॉल के ऊपर एक्ट करती है लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में तो सेल वॉल एबसेंट होती है तो अगर इनमें सेल वॉल एबसेंट है तो फिर उन पर एक्ट नहीं कर पाएगी इसी वजह से ये से बच जाएंगे साथ में ये सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन और क्लोरम फेनिकॉल को लेकर क्योंकि इनको अगर हम लोग अगर इनकी सेल वॉल इनके पास नहीं है तो हम सेल वॉल के थ्रू तो इनको तोड़ नहीं सकते यानी ये ऑर्गेनिज्म पक्के से डिजीज कॉज कर देंगे क्योंकि इनकी सेल वॉल नहीं है तो पेनिसिलिन तो एक्ट नहीं कर पा रही है लेकिन इनकी कई सेंसिटिविटीज भी है जैसे कि अगर इनको टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट किया जाए क्लोरम फेनिकॉल से ट्रीट किया जाए यानी ऐसी दवाइयाँ जिसमें टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट हो क्लोरम फेनिकॉल प्रेजेंट हो तो ऐसी दवाइयाँ अगर है तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनको उससे फर्क पड़ जाए यानी कि उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनका रेस्पिडेशन इनका डाइजेशन इनका एक्सक्रीशन वो सब इन दवाइयों की वजह से खराब हो सकता है तो टेट्रासाइक्लिन, साइक्लिन माइकोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा के लिए बुरे होते हैं पेनिसिलिन से उनको कोई खतरा नहीं होता नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ माइको आर फैकल्टेटिव एनोरोब्स यानी कि जब इनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी तो उसी टाइम पे ये एनोरॉबिक रेस्पिरेशन शो कर देंगे हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोज है उसमें फैकल्टेटिव जो एनोरॉबिक रेस्पिरेशन होता हो सकता है या फिर फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो सकता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा विद डेफिनेशन तो आप वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्पीशीज ऑफ माइको स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोप्लाज्मा और सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट जो स्पीशीज़ होती है माइक्रोप्लाज्मा की वो सेप्रोफाइट होती है और फैकल्टेटिव पैरासाइट हो सकती है यानी कि ज़्यादातर सड़ी गली डिकम्पोजिंग जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फीड करती है लेकिन जिस टाइम पर अगर उन्हें ये सेप्रोफेटिंग मोड नहीं मिलता है तो उसी टाइम पर वो पैरासाइट भी बन सकती है यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म पर अपनी लाइफ को जी सकती है वहां पर अपने आप को सर्वाइव कर सकती है तो ये दोनों चीज़ें माइको की स्पीशीज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की बात जाए, तो ये binary fission, और जो primary structures, या फिर होती होती है, उसके करता है binary fission, most common method होती है उसके करता की में प्लांट डिजीज अगर हम देख लेके माइको प्लाज्मा जो है प्लांट्स में कौन तो प्लांट्स में कौन सी डिजीज कॉज करता है पहली होती है लिटल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल बंची टॉप ऑफ पपाया विच इज ब्रूम ऑफ ग्राउंड नट लेगू पटेटो या फिर एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर नोट करने की बात यहाँ पर है इन प्लांट्स माइक्रो प्लाज्मल डिजीज यूजअली ट्रांसमिटेड बाई लीफ हॉपर जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये जो माइक्रोप्लाज्मा की डिजीज होती है इसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलाने का काम जो चीज़ uh, करता है जो ऑर्गेनिज्म करता है उसको लीव हॉपर कहा जाता है देरफोर वी कैन से ही इट इज अ वैक्टर नॉट ही इज अ वैक्टर इट इज अ वैक्टर तो ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है प्लांट डिजीजेज की अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आर्की बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा यहाँ कंप्लीट हो जाता है एनसीआर में तो बहुत छोटा सा जो पेज नंबर हमारा ट्वेंटी है उसके ऊपर बहुत छोटे से पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखा हुआ है लेकिन हमने यहां पर थोड़ी सी डिटेल ज्यादा देखी है क्योंकि हम नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट है Next, हमारे पास आर बैक्टीरिया सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आर बैक्टीरिया जिसको ग्रुप ऑफ एंशंट बैक्टीरिया कहा जाता है जहाँ आर्की वर्ड आता है उससे हमें यहाँ उसे समझ लेना चाहिए आर्की वर्ड ओल्ड से रिलेटेड होता है पुराने से रिलेटेड होता है तो जो ग्रुप ऑफ एंशेंट बैक्टीरिया होते हैं पुराने बैक्टीरिया होते हैं उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है इवोल्यूशनरी ev तौर पर देखा जाए यानी कि उनके इवोल्यूशन uh, किस तरह से हुआ है तो उससे पता चलता है ये बहुत प्रिमेटिव होते हैं यानी कि थोड़े पुराने टाइप के होते हैं एंड दे वर द फर्स्ट टू बी बॉर्न ऑन आवर प्लैनेट एंड दे आर प्रेजेंट नावड इज विदेयर प्रमेटिव कैन

फॉर्मेशन को स्टोर करते हुए अभी तक आ रहा है तो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल आर्की बैक्टीरिया होता है तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मोस्टली जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं यानी कि वो ज़्यादातर बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन शो करते हैं ऑब्लिगेटली शो करते हैं कंपलसरीली शो करते हैं थर्मोकोकस मिथेनोकोकस मिथेनोबैक्टीरियम ये सारे जो ऑर्गेनिज्म से ये आर्की बैक्टीरिया को एग्जाम्पलीफाई करते हैं यानी उसके एग्जाम्पल्स हैं इनके अंदर प्रोटीन होमोलोगस होते हैं टू यो कोर हिस्टोन्स सो तो दे कंटेन प्रो प्रोटीन होमोलोगस टू यू कोर हिस्टोन्स ये वाली चीज यहां पर आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर इनकी जो सेल वॉल होती है वो पैप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है और वो पैप्टाइडोग्लाइकिन की होती है जैसे कि एक यू बैक्टीरिया में होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स पोलीसेक्राइड्स और कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड और कॉम्प्लेक्स पोलीसेक्राइड्स की बनी होती है इनकी जो सेल मेंब्रेन होती है वो एक यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती यानी सिंगल नहीं होती जैसे कि यू बैक्टीरिया की बात की जाए तो वहां तो सेल मेम्रेन यूनिट मेम्बरेन होती थी पर यहाँ पर नहीं होती तो कई हद तक अगर हम देखें तो जो सेल वॉल है वो यू बैक्टीरिया से इसकी मैच करती है लेकिन इसकी जो सेल

भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेते हैं इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्पेशल माने जाते हैं सो so, आर के बैक्टीरिया ग्रुप के अंदर जो फॉलोइंग बैक्टीरिया आते हैं अब हम उनको देख लेते हैं मिथेनोजन्स सबसे पहले आ जाते हैं से यानी मिथेन वर्ड यहाँ रहा है तो मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को मिथेनोजन्स कहा जाता है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सी को कन्वर्ट करते हैं दि दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट सी ऑफ स्वयंपी एरियाज जो दलदल जैसे इलाके होते हैं मार्शी इलाके होते हैं उन जगहों की सी को ये कन्वर्ट कर देते हैं मिथेन के अंदर तो सी को बेसिकली हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सी के अंदर कन्वर्ट सी एच फोर मिथेन होती है तो मिथेनो बैक्टीरियम मिथेनो कोकस मिथेनो माइक्रोबियम एक्साम्पल इसके अंदर और डिटेल्ड आ जाते हैं अब ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यानी कि सेल्यूलोस फॉर एग्जांपल जो कि डंग के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अगर मीथेन में कन्वर्ट कर दे बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसे कि गोबर गैस फर्मेंटर के अंदर होता है एक तरह का अपेराटिस होता है गोबर गैस फर्मेंटर जिसको कहा जाता है उसके अंदर क्या होता है जो काऊ डंग होता है उसको फिल कर दिया जाता है अब डंग में ना सेल्यूलोस प्रेजेंट होता है उस सेल्यूलोस को मिथेन में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो कुछ बैक्टीरिया करते हैं जिसके अंदर आ जाते हैं मिथेनो बैक्टीरिया अगेन मिथेनो सेम मिथेनो से तो ये उसमें आ जाते हैं और इससे जो सी एच फोर यहाँ पर बनती है जो मिथेन यहाँ पर बनती है वो एक तरह से हाउस होल्ड के कामों में भी, भी कई हद तक काम आ जाती है तो ये हो गया थर्ड पॉइंट हमारे पास है एन आर्की बैक्टीरियम इज फाउंड एक तरह का आर्की बैक्टीरियम र्यूमन जो होता है कैटल का उसमें भी पाया जाता है एज अ सिम्बायट यानी कि जो आ, एक्स्ट्रा जो हमने पढ़ा होगा आ, आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री कैनाल जो होती है र्यूमन जैसे ये यह है यहाँ पर जो फोर स्टमक की बात की जाती है बेसिकली कैटल्स के अंदर फोर स्टमक होते हैं ऐसा कहा जाता है तो उसमें से एक र्यूमन पार्ट होता है तो र्यूमन नाम का जो पार्ट होता है उस र्यूमन के अंदर कुछ आर्की बैक्टीरिया रहते हैं जो सिम्बायट बन के रहते हैं यानी फैमिली मेम्बर्स की तरह काओ के अंदर रहते हैं और उसकी हेल्प भी करते कई हद तक तो वो क्या करते हैं वहाँ पर उसका जो सेल्यूलोस है उसको डाइजेस्ट करते हैं यही रीज़न है कि हमारे अंदर ये वाले बैक्टीरिया नहीं होते इसी वजह से अगर हम लोग सेल्यूलोज का इंटेक करते हैं तो हमारा सेल्यूलोर्स डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और काउज उसको इसलिए डाइजेस्ट कर लेती है क्योंकि उनके र्यूमन के अंदर आर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो ये रीज़न भी यहाँ पर मिल गया और वो किस तरह से इस को डाइजेस्ट करते हैं बाय फर्मेंटेशन और उसके फर्मेंटेशन करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन के अंदर तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उसके र्यूमन में प्रेजेंट है, उसको रूमसो कोकस कहा जाता है तो यहां पर ये यह साबित दोनों काम एक ही कर रहे हैं कि वो जो ऑर्गेनिक सी एच फोर के अंदर लेकिन एक र्यूमन के अंदर कर रहे हैं और एक आउटसाइड ऑफ द सराउंडिंग कर रहे हैं गोबर गैस फॉर्मेंटर के अंदर कर रहे हैं तो ये मिथिनोज के बारे में था तो हेलोफिल्स जो होते हैं हेलोफाइल्स भी कहते हैं ना ये आर की बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जहाँ नमक पाया जाता है उन एरियाज़ में होते हैं हेलोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो सराउंडेड होते हैं पर्पल मेम्ब्रेन से इनके आसपास पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें एक पिगमेंट होता है जिसको बैक्टीरिया रोडोप्सिन कहा जाता है जो कि आ, पाया जाता है उनमें इस फाउंड ड्यू टू दिस रीज़न मेम्ब्रेन एब्बॉर्ब्स द ब्राइट लाइट अब यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है पर्पल मेम्ब्रेन इसमें क्या हो रहा है पिगमेंट बैक्टीरिया रोडोप्सिन पाया जाता है ये जो बैक्टीरिया रोडोप्सिन नाम का

होते हैं जो पहले फूड बनाएंगे फिर फूड में से एनर्जी को एक्सप्रेट आउट करेंगे लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हेलोफाइल्स, जो कि डायरेक्टली ए का फॉर्मेशन कर लेते हैं उनको बीच में फूड का सिंथेसिस नहीं करना पड़ता थर्मो एसिडोफिल्स ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ये अगेन आर बैक्टीरिया और ये ऐसे आर बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऐसे टेम्परेचर्स पे पाए जाते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है मीडियम एसिडिक हो सकता है यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन एटी डिग्री सेल्सियस का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी उस जगह पर और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो ऐसी जगह पर भी ये आर बैक्टीरिया रह सकते हैं और जहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो यानी पी एच कि कोई ऐसा एसिड जिसमें अगर आप कुछ डालोगे तो बहुत अफेक्ट होगा इन लोगों पर तो उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम थर्मे, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं एंड दीज कैन आल्सो सर्वाइव एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर सौ डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा तो भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे और हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स जो होते हैं वो हिमालयन रीजन के अंदर पाए जाते हैं उबलता हुआ एक कहना चाहिए वॉल्केनोर जैसा पार्ट होता है तो वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है उन्हें हम हॉट वाट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स कहते हैं तो वहां पर ये जो आर्की बैक्टीरिया के टाइप होते हैं जिनको हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं अब यहां पर कुछ गोल्डन की पॉइंट है तो so, अभी तक हमने मेनली किंगडम किंग में जो जो पढ़ा उसके गोल्डन की पॉइंट देख लेते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है का उसमें बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं साइनो ग्राम हैं ग्राम नेगेटिव होते फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजन होते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सिंपल होता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर के अंदर भले ही वो कितने भी सिंपल हो स्ट्रक्चर में लेकिन उनका बिहेवियर उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं उसमें फोटो कीमोट्रॉफ्स दोनों हो सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स के अलावा वो हैड्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं हेड्रोट्रॉप्स के टाइप्स में वो पैरासाइड्स सेप्रोफाइड्स और सिम्बाइंड कुछ भी हो सकते हैं जो ग्रुप बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है आर की बैक्टीरिया की वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है उसके बाद है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें बॉडी जो होती है वो फिलामेंट जैसी होती है फंजाई लाइक होती है माइसीलियम जैसा होता है सो दे आर कॉल्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया में फिलामेंट जैसी बॉडी हो फजाई जैसी बॉडी हो माइसीलियम खासतौर पर तो ऐसे बैक्टीरिया को फिलामेंटस बैक्टीरिया कहा जाता है

नोकार्डिया ये सारी आ जाती है रिकेट्सियर जो होते हैं वो स्मॉल और पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं और ये कनेक्टिंग लिंक भी होते हैं नाउ स्टूडेंट्स वी आर विद बिगनर बॉक्स थ्री जो हमने इससे पहले दो बिगनर बॉक्स देखे थे हमारे पास थर्ड वाला आ चुका है इसका कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज है मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ सॉल्व आपको खुद करना होगा ऑलरेडी uh, टिक्ड भी है पर फिर भी हम लोग इसको कोशिश करेंगे खुद सॉल्व करने की बिग्नस बॉक्स थ्री का यहाँ पर पूरा टेब्यूट का टेबुलटेड फॉर्म में यहाँ पर आंसर दिया है आंसर की ये रही बिग्नस बॉक्स थ्री की बाकी वाले अभी फोर फाइव तो मैंने शो नहीं किए क्वेश्चंस वन और टू ऑलरेडी शो कर दिए थे उसके सॉल्यूशंस भी यहीं पर है तो थ्री का यहाँ पर सोल्यूशन दे दिया है इसके बाद हम जो किंगडम स्टार्ट करें वो तो आर किंगडम मोनेरा इज कम्पलीटेड टूडे आज आज की इसमें हमने पूरा किंगडम मोनेरा पूरा आज कम्पलीट हो गया है अब हमारा नेक्स्ट जो किंगडम स्टार्ट होगा वो किंगडम प्रोटेस्टा होगा क्योंकि हम जानते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं जो कि आर एच विटेकर ने दिया था मोनेरा हो चुका है प्रोटेस्टा हम पढ़ेंगे उसके बाद फंजाई बचता है प्लांटी बचता है और एनिमेलिया बचता है तो एक-एक करके हम सारे किंगडम्स कंप्लीट कर जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग